पर डे का आदमी अगर चाहे तो 2000 से लेकर लाख रुपया तक कमा सकते हैं डेली की। 2000 से लेकर लाख रुपया तक पर डे कमा सकते हैं, तो कितना पैसा हमको पहले लगाना पड़ेगा कि 2000 रुपया हम कम से कम कमाएंगे? कम से कम आप 1500 रुपए शुरुआत कर सकते हैं। 10000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाजार में, तो हम कितना कमा सकते हैं ये ट्रेनिंग लेने के बाद? देखिए 10000 से आप 1 लाख भी बना सकते हैं, 5 लाख भी बना सकते हैं, ये लिमिटेशन कुछ नहीं है इसमें। भूषण जी बहुत रिस्क होता है ना इसमें? हाँ रिस्क है, बिना रिस्क के तो कुछ होता नहीं। अच्छा, रिस्क तो उठाना पड़ता है जी। तो फिर से हम झारखंड में आ रहे हैं, जुलाई में एक सेशन होने वाला है 21 जुलाई को, और अभी हम प्लेस जो चूज किया वो रांची किया है। खास करके कुंवारों के साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि उसको शादी करना सरकारी नौकरी में होता है कि भाई शादी अच्छी लड़की मिलती है, इसके कारण सरकारी नौकरी के पीछे भागता है। अगर आप पूरा समय देते हैं ये नौकरी का दादा है। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि बड़ा रिस्क होता है शेयर मार्केट में पैसा बनाना, पैसा लगाइएगा तो ज्यादा डूबने के चांसेस होते हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? तो इसमें समय दिया जाना चाहिए लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें लगता है कि शायद ये बेरोजगारी दूर करने का एक अच्छा माध्यम है। सिर्फ इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, आप घर बैठे इस काम को कर सकते हैं, और सेल्फ इंडिपेंडेंट जितना इच्छा होगा उतना पैसा, जितनी जरूरत होगी आपको उतना पैसा शेयर मार्केट से निकाल सकते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं, और जानते हैं तो कितना जानते हैं? कितना ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन जानकारी नहीं होने के कारण पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं? बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके मोबाइल में ट्रेडिंग एप्लीकेशन होगा, रोज खोलते होंगे, सोचते होंगे कि मैं आज पैसा लगाऊंगा और आज कुछ कमाऊंगा, लेकिन वो नहीं कमा पाते होंगे। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाला है, और अभी मैं प्रेम MCX ट्रेनिंग सेंटर जो कि बिहार के गया में स्थित है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ट्रेडिंग के बारे में जानकारी ले रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं वो जानकारी ले रहे हैं, रोज 500 हजार 2000 लगा के लाखों रुपया महीने का कैसे कमाएं वो जानकारी ले रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कहाँ कहाँ से आके प्रेम MCX ट्रेनिंग सेंटर में जो कि 3 दिन का सेशन होता है महीने में ट्रेनिंग ले रहे हैं। आइए बहुत सारे लोग हैं, मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार यादव। मनोज जी कहाँ से आए हुए हैं आप? भागलपुर जिला से। भागलपुर जिला से, तो यहाँ पे क्या सीखने आए हैं आप? शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट के बारे में, तो शेयर मार्केट में क्या सिखाया जाता है? यही प्रॉफिट लॉस के बारे में बताया जाता है। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस के बारे में। तो शेयर मार्केट में क्या तो बड़ा रिस्क भी होता है? रिस्क बिना सीखे करें तो रिस्क तो है। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिटर्न है ना, वही बात है। अच्छा वही बात है, तो अभी तक क्या सीखे आप? अभी तक तो ऐसे हम कल आए ही हैं। अच्छा, फर्स्ट के बाद। अच्छा, अभी सीख ही रहे हैं। सीख रहे, क्या बोल रहे हैं दादा? जब तक सीखे नहीं हैं तो उसके बाद तो आपको लॉस ही होगा। अच्छा, अगर सीख जाते हैं तो प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अच्छा, मतलब अगर शेयर मार्केट के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं तो प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अगर बिना सीखे करते हैं लॉस बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो महीना में कितना कमा लेंगे अगर सीख लेंगे हम शेयर मार्केट के बारे में? देखिए वो तो डिपेंड करता है आपके कैपिटल पे, आप कितना इसमें यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम 10000 रुपया महीने में जो है इन्वेस्ट करते हैं, परचेस करते हैं कोई किसी न किसी कंपनी का शेयर, 1000-2000 रुपया आप डेली का ले सकते हैं। अच्छा, 1000-2000 रुपया डेली का कमा सकते हैं? डेली का कमा सकते हैं। तो महीने का 30-40 हजार रुपया हो गया। हाँ। अच्छा, तो आप अभी क्या करते हैं? अभी तो सीखने आए हैं, और मेरा दुकान है मोबाइल के शॉप का। अच्छा, मोबाइल का दुकान है। हाँ। तो ट्रेडिंग के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में इससे पहले आपको जानकारी कुछ था? मेरा एक फ्रेंड था, उसी ने जानकारी दिया था। 6 महीने से इसको हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हमको फेसबुक यूट्यूब से पता चला यहाँ पे गया में सिखाया जाता है, तो हम फिर यहाँ पे आके एडमिशन करा के सीख रहे हैं। आप क्या करते हैं? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं, मतलब किसान हैं? किसान होके शेयर मार्केट के बारे में जानकारी लेना है? जी जी है? जी सर। चलिए देखिए, अच्छा लगा कि किसान भी जो है शेयर मार्केट के बारे में जानकारी ले रहे हैं, और आइए बहुत सारे लोग हैं जानने का प्रयास करते हैं, 1 मिनट समय लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? संजय राज। संजय जी कहाँ से आप आए हैं? गया से हैं। गया से हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सभी के पास लैपटॉप मौजूद है, सब लोग बहुत ही ध्यान आकर्षित करके लैपटॉप में कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? सर शेयर मार्केट का क्लास कर रहे हैं। अच्छा, शेयर मार्केट का ट्रेनिंग ले रहे हैं? जी। तो सुनते हैं कि शेयर मार्केट में अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, सही बात है? सही बात है। तो बड़ा रिस्क भी होता है? रिस्क होता है, लेकिन वैसा अगर हम सीख के अगर ट्रेडिंग करेंगे तो कोई रिस्क नहीं है। तो सीखने में कितना समय लगता है? सीखने में सर 3 दिन का यहाँ पे क्लास चल रहा है। ठीक है, उसके बाद घर पे 1-2 महीना प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ट्रेडिंग करेंगे। तो कोई अच्छा, तो MCX ट्रेनिंग सेंटर में महीने में 3 दिन का क्लास चलता है, उसके बाद घर पे जाके आपको प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद आप इसके कहीं ना तो कहीं एक्सपर्ट हो जाएंगे। जी जी, है ना। क्या नाम हुआ दादा आपका? जयप्रकाश भारती।
जयप्रकाश भारती जी, कहाँ से आए हैं आप? खगड़िया से। खगड़िया बिहार से? जी बड़ा दूर है जी। जी दूर तो है लेकिन कुछ सीखने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए तो आपको दूर से क्या मतलब है? कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको दूर जाना पड़ेगा, परिवार से दूर जाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तो भी बड़ा कर सकते हैं ना आप। अभी हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में है, MCX ट्रेनिंग सेंटर जो कि गया में स्थित है। तो यहाँ पर 3 दिन का जो शेयर मार्केट के बारे में सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे पैसा लगाए, कैसे इन्वेस्ट करें। तो क्या है इसके बारे में आपको कुछ पता है यहाँ पे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो? बिल्कुल पता है। यहाँ सर के द्वारा पहले 1 दिन का क्लास होता है, उसमें समझाया जाता है आप कैसे करोगे नहीं करोगे। उस 1 दिन में शामिल होने के बाद आपको पता चल जाता है शेयर मार्केट से कितना अर्न कर सकते हैं। अगर आप पूरा समय देते हैं तो ये नौकरी का दादा है। अच्छा, शेयर मार्केट में अगर पूरा समय देते हैं तो नौकरी का दादा है? दादा, नौकरी का दादा है। इसके सामने में कोई नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ज्यादातर बिहार झारखंड के लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागता है कि हमको पुलिस बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ATI करना है। खास करके कुंवारों के साथ ऐसा हो रहा है। हाँ। क्योंकि उसको शादी करना सरकारी नौकरी में होता है कि भाई शादी अच्छी लड़की मिलती है, इसके कारण अच्छा, सरकारी नौकरी के पीछे भागता है सब। अच्छा, सरकारी नौकरी इसलिए ढूंढता है कि बढ़िया हमको लड़की मिलेगी। जी जी, दहेज मिलेगा। जी अभी जो समय है, पहले लोग को मालूम नहीं थी कि शेयर मार्केट से भी कुछ किया जा सकता है। अभी के समय में डिजिटल जमाने में शेयर मार्केट बहुत बड़े चीज है, बहुत बड़े स्तर पे उभरे हैं। हमारे प्रेम सर जो सिखा रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। अगर अच्छे तरह से कोई सीख लेते हैं, इसके सामने में कोई कुछ नौकरी नहीं है। पर डे का आदमी अगर चाहे तो 2000 से लेकर लाख रुपया तक कमा सकते हैं डेली की। 2000 से लेकर लाख रुपया तक पर डे कमा सकते हैं। तो कितना पैसा हमको पहले लगाना पड़ेगा कि 2000 रुपया हम कम से कम कमाएंगे? कम से कम आप 1500 रुपये शुरुआत कर सकते हैं। 1500 रुपया हम अगर लगाते हैं तो 2000 रुपया रोज कमा लेंगे? बिल्कुल कमा लीजिए, लेकिन सीखने के बाद, बिना सीखे कुछ नहीं कर सकते आप, लॉस में चल जाइएगा। पहले लॉस में चल जाएंगे। पूर्ण समय दीजिए पूरा और पूरा सीखिए, उसके बाद आप ट्रेडिंग कीजिए, आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग बैठ के जो है शेयर मार्केट के बारे में सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। तो आप भी शेयर बाजार में पैसा लगा के कैसे डबल कर यही सीखने आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग शेयर मार्केट से पैसा बनाने के लिए आए हैं, इसी चीज को हम भी करने के लिए आए हैं। तो संजीव जी, होता क्या है ना कि हम ये सुनते हैं, लोग कहते हैं गाँव में या शहरों में, शेयर बाजार में पैसा लगाओगे भैया तो पक्का डूबेगा ही डूबेगा। तो जो इसको जुए की तरह लेके चलेगा उसका पैसा डूबना ही डूबना है। लेकिन जो सर के माध्यम से पढ़ाई कर उनके माध्यम से जो सिखाया हुआ थ्योरी है उसको फॉलो कर इस मार्केट में पैसा बनाने के लिए जो भी व्यक्ति आएगा वो पैसा बनाकर ही जाएगा यहाँ से। अच्छा, ये बताइए संजीव जी, क्या जो ट्रेडिंग के बारे में ट्रेनिंग लेते हैं, जो सीखते हैं, तो क्या उनके पास लैपटॉप होना जरूरी है, इंग्लिश आना जरूरी है? नहीं, ये सब कोई जरूरी नहीं है। आपके पास आप एक मोबाइल से भी आप अपना डील कर सकते हैं, और लैपटॉप है तो आपको थोड़ा सा सुविधा मिल जाता है। बेसिक तौर पर ये बताइए कि मान लीजिए कि हम 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाजार में, तो हम कितना कमा सकते हैं इस सीखने के बाद, ये ट्रेनिंग लेने के बाद? देखिए, 10,000 से आप 1 लाख भी बना सकते हैं, 5 लाख भी बना सकते हैं, ये लिमिटेशन कुछ नहीं है इसमें। बेसिक आपको आना चाहिए कि 10,000 को हम 1 करोड़ में कैसे बदल सकते हैं। 10,000 आपका क्षण भर में जीरो हो सकता है। अच्छा, 10,000 रुपये जीरो भी हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, इसमें रिस्क भी है। लेकिन सर के पढ़ाए हुए माध्यम से चलिएगा तो वो 10,000 आपका जीरो कभी नहीं होगा। जुए के हिसाब से चलिएगा वो आपका क्षण भर में जीरो हो जाएगा। लेकिन सर का पढ़ाया हुआ चीज़ आप फॉलो कीजिए, आप लाइफ में कभी नहीं उसमें आप लॉस सहिएगा। ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो है अभी सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, तो क्या इसको रोजगार के रूप में देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है। आप सरकारी नौकरी में जाइएगा, आप आपको एक बॉन्डेंशन होगा, इसमें आपको कोई बॉन्डेंशन नहीं है। आपका वहाँ फिक्स अमाउंट है कि आपको ठीक है 50,000 है तो 50,000 ही है। आप 50,000 से आप बढ़ नहीं सकते हैं। इसमें आप 50,000 को तो भूल जाइए, आप कितना इसमें अर्न कर सकते हैं इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जी, इस पॉइंट पे बात करना चाह रहा हूँ, जो हम सरकारी नौकरी के लिए काम कर, मतलब एज अ हमारा मतलब ये है पेशेंस कि हमको जॉब पकड़ना है, ठीक है, तो उसके लिए हम बचपन से तैयारी कर रहे हैं, और मार्केट में आते ही हम सोचते हैं कि ये मेरा पैसा डबल हो जाए। पॉसिबल है, यहाँ भी ट्रेनिंग लेना होगा, प्रोसेस से चलिए और प्रोसेस को फॉलो कीजिए जैसे कि आप वहाँ पे कर रहे हैं। इस पर टाइम दीजिए, इस पर प्रोसेस पे चलिए और अपने नॉलेज को गेन कीजिए, तो सारा चीज़ पॉसिबल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये फ्रॉड है, ये सही चीज़ नहीं है, इसमें पैसा डूब जाएगा, ज़मीन बिक जाएगा, जायदाद बिक जाएगा, ऐसा लोग भी बोलता है। ये आपके ऊपर है सर। अच्छा, आप इस चीज़ को किस तरह से ले रहे हैं, एज अ जुआ या एज अ बिजनेस? अगर बिजनेस के पर्पज से ले रहे हैं तो बिजनेस के पर्पज से उसको ट्रीट कीजिए। आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रोसेस पे आप आइए तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। शुक्रिया। तो क्या नाम हुआ सर आपका? भूषण नाम है। तो यहाँ पे क्या सीख रहे हैं आप लोग?
वही शेयर मार्केट के बारे में किस तरह से काम करना है कि आपको प्रॉफिट हो। भूषण जी बहुत रिस्क होता है ना इसमें? हाँ रिस्क है, बिना रिस्क के तो कुछ होता नहीं है। अच्छा, रिस्क तो उठाना पड़ता है। ये बताइए, इससे पहले कभी शेयर बाजार में ट्रेडिंग किए हैं? नहीं नहीं किए हैं, कभी नहीं। हम अभी शुरू में सीखने के लिए आए हैं, अभी हम पूरी तरह से सीखे नहीं है। अच्छा, अभी सीखने के लिए आए जी। तो ये बताइए कि कितना दिन यहाँ पर सिखाया जाता है? 3 दिन का कोर्स है ये। 3 दिन का कोर्स? हाँ, लेकिन पूरी तरह से ट्रेंड होने में 5-6 महीना लगता है लोगों को, थोड़ा सा चूंकि जानकारी नहीं है, नया नया चीज है तो जानकारी प्राप्त करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसमें समय दिया जाना चाहिए लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें लगता है कि शायद ये बेरोजगारी दूर करने का एक अच्छा माध्यम है। विद्यार्थी को जो देखते हैं रोड पे तो लगता है कि इतने को नौकरी मिलेगी कहाँ से, जितना सीट खाली उतना ही मिलना है। लेकिन विद्यार्थी तो करोड़ों में है, करोड़ सीट तो कहीं है नहीं खाली। प्रेम MCX ट्रेनिंग सेंटर में बहुत सारे लोग ट्रेनिंग ले रहे थे, उनसे हम लोगों ने बातचीत की और बातचीत करने के बाद जो इसके एक्सपर्ट हैं उनसे हम लोग बातचीत करते हैं कि आखिर 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, कैसे होती है, क्या समय होता है, ये हम प्रेम सर से जानेंगे। प्रेम सर ये बताइए कि ये हर महीना आप लोग प्रेम MCX ट्रेनिंग जो यहाँ गया में स्थित है आप लोग सेशन रखते हैं 3 दिन का? जी। तो हर महीना होता है ये? जी हर महीने होती है, और सिर्फ ये 3 दिन की जो कोर्सेज है ये एडवांस कोर्सेज है जो एकदम से नए हैं। नए लोगों के लिए एक वन डे का सेशन हम लोग रखते हैं जिसको सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक ये सेशन दी जाती है, और उसमें इतना सिखा दिया जाता है कि आप शेयर मार्केट को स्टार्ट कर सकते हैं, और बेसिक से एडवांस तक की चीज़ सिखाई जाती है जिसको सीख करके अगर आप अच्छे से 1 महीना प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद आप जो है 1,000-2,000 रुपये का इनकम कर सकते हैं, मतलब एक स्टार्टअप हो जाएगा और छोटी छोटी इनकम कर सकते हैं। जब 1 दिन को अच्छे से समझ लेते हैं, इस पर अच्छे से पैसा बनाना शुरू कर देते हैं, तब जाके हमारा जो एडवांस कोर्स है 3 दिन का उसको कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों की डिमांड्स थी कि झारखंड में सेशन करें, तो उनकी डिमांड्स पे हमने जो है इसी मंथ में जून में जो है हम धनबाद में अभी सेशंस किया, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए धनबाद से, तो फिर से हम झारखंड में आ रहे हैं। जुलाई में एक सेशन होने वाला है 21 जुलाई को, और अभी हम प्लेस जो चूज किया वो रांची किया है। वो जो सेशन होगा वो ग्रीन हॉरिजॉन होटल्स का नाम है, होटल ग्रीन हॉरिजॉन जो स्टेशन रोड में ये होटल है, तो 21 जुलाई को रांची में हमारा सेशन होने वाला है होटल ग्रीन हॉरिजॉन में। वन डे का सेशन है, एकदम नॉर्मल सा फी है, अभी इसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें शेयर मार्केट सीखना है और सीख करके बहुत अच्छा करना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, ढेर सारी पैसा बनाना है, जन्म लिया है तो सिर्फ दूसरे का नौकरी नहीं करना है, हम जो है बहुत अच्छा करके जितना चाहे सारी सपना को पूरा करें, तो शेयर मार्केट से आप सब कुछ संभव है। अभी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सारे नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। देखिए वन डे का सेशन हो या 3 डे का सेशन हो, डायरेक्टली सेशंस में आएंगे तो उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा। पहले अगर सीट को बुक करते हैं, सीट बुक करने के बाद आपको कुछ वीडियो दी जाती है, उस वीडियो को देख करके उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको समझते हैं, अगर बार बार उसको वीडियो को देख करके समझने कुछ भी जितना आए 10% 20% जितना भी समझ में आता है उस वीडियो को समझ करके अगर आते हैं, उसके बाद जब सेशंस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अभी 21 जुलाई को सेशन है हमारा रांची में, तो अभी से आप 20 दिन समय है, 20-22 दिन समय है, तो जा करके आप सीट पहले बुक कीजिए, कॉलिंग टीम को कॉल कीजिए, सीट बुक कीजिए, 15-20 दिन अगर अच्छे से आप वीडियो को देखते हैं उसके बाद जब आएंगे सेशंस में तो बहुत अच्छे तरीके से। एक सवाल है सर कि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि बड़ा रिस्क होता है शेयर मार्केट में पैसा बनाना, पैसा लगाइएगा तो ज़्यादा डूबने के चांसेस होते हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए ये वो डूबने के चांसेस तभी होती है, कोई लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट मतलब जुआ है। अच्छा। शेयर मार्केट जुआ नहीं है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस है, और देखिए हर वो काम जुआ है जो बिना सीखे हुए, बिना नॉलेज के और बिना प्रोसेस को करते हैं, तो अगर आप उसको सीखते हैं, उसको समझते हैं और एक सिस्टम से प्रोसेस से करते हैं तो वो एक बिजनेस है, और शेयर मार्केट वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस है। सिर्फ इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, आप घर बैठे इस काम को कर सकते हैं, और सेल्फ इंडिपेंडेंट जितना इच्छा होगा उतना पैसा, जितनी ज़रूरत होगी आपकी उतना पैसा शेयर मार्केट से निकाल सकते हैं। शेयर मार्केट पैसे का समुद्र है। ये बताइए कि स्टार्टिंग में जैसे लैपटॉप हो गया, ट्रेनिंग जो हम करते हैं उसका खर्च, कुल मिला के कितना खर्चा होगा कि एक कोई भी व्यक्ति आके सीख सके? देखिए एक हमारा जो गुरुकुल है उसमें सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये ट्रेनिंग्स का फी, मात्र 1500 रुपये। हाँ, उसमें वो फी नहीं है, वो मेंटेनेंस चार्ज, वो होटल्स में चला जाता है, हमारी टीम है 20 लोगों को, वो जाते हैं वहाँ पे होटल में स्टे करते हैं, रांची जाएंगे तो 20 लोगों का टीम है वहाँ जाएंगे, स्टेइंग है, फूडिंग है, होटल्स का हॉल है, सब कुछ है, तो वो सिर्फ नॉर्मल से चार्ज लेके आपको मेंटेनेंस की आप एक शुरुआत करो, आप जो बेरोजगारी है उसको हम लोगों को दूर करना है, आप घर पर बैठे कैसे पैसा कमा सकते हैं। प्रेम सर से ये पूछेगा कि सर तो कम पैसा में ये सिखा रहे हैं तो उनका तो सारा पैसा मेंटेनेंस में चला जाता है, तो फिर सर लोग पैसा कैसे कमाते हैं?
हम तो पैसा ट्रेडिंग से कमा ही रहे हैं, फिर उसके बाद हमारा जो फुल कोर्सेस है, एडवांस कोर्सेस है, अगर उसमें करते हैं तो उसमें अभी तक देखिए ट्रेनिंग से हम लोग प्रॉफिट में, हमारा टीम है 20 लोग का, सबको सैलरी है, सब कुछ है, तो हमारा क्या है कि हर लोग जो है पैसा बनाए, जो हम चीज़ें जो हम लोगों ने मेहनत किया 16 साल, जो 16 साल के एक्सपीरियंस वो हम लोगों को दे पाए, ताकि हमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो लोगों के बीच में अगर हम रहते हैं तो, क्योंकि अलग अलग लोगों की बहुत सारी सवाल होती है, उसको जब जवाब देते हैं तो खुद हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं, तो लोग तरक्की कर रहे हैं उनकी, हमारी वजह से अगर कोई पैसा बना रहा है तो उनका दुआ लगता है हमें, और उनके वजह से हम आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया। तो आप समझ गए होंगे कि शेयर बाजार में कूदने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कुछ उसमें सीखना पड़ेगा, तभी आप जाके प्रॉफिट कमा सकते हैं, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि कोई भी काम आपको करने के लिए सबसे पहले सीखना पड़ता है, बिना सीखे हुए अगर कुछ करेंगे तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड। शुक्रिया।